हेलो, माय नेम इज शितेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं सेथु माधवन नपन। और सेथु जी से मेरी जो कुंडली है वो बहुत पहले से मिली हुई है। वी बोथ रोट फॉर पैशन फॉर सिनेमा एंड ही इज वन ऑफ दोज गाइज जो कॉर्पोरेट छोड़ के सिनेमा में आए हैं। आई गेस ही वॉज फार्मासिस्ट, देन ही डिड हिज MBA एंड देन ही मूव्ड इनटू फिल्म लाइन, देन ही वेंट इनटू प्रोडक्शन हाउस एंड ही बिकेम द CEO ऑफ द प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड डार मोशन पिक्चर्स, जिसमें वो अभी भी हैं। ही हैज प्रोड्यूस्ड टू फिल्म्स कॉल्ड बकेट लिस्ट एंड फोटोग्राफ बकेट लिस्ट स्टार्स माधुरी दीक्षित एंड फोटोग्राफ स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सो वेलकम सेथु जी टू माई चैनल। थैंक यू सो मच शितेश, बहुत अच्छा लगा क्योंकि फाइनली यू नो ऐसे 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 यू नो रूबरू बात करते करते हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ हो जाता था। बिल्कुल इनफॉर्मली बातचीत चलती रहती थी लेकिन यू नो इवेंचुअली फाइनली यू नो ऐसा मौका और किसी वजह से मेरे जो इंटरव्यूज थे इनके साथ वो लाइन अप होते थे, फिर वो कैंसिल हो जाता था किसी ना किसी वजह से, मोस्टली मेरी वजह से ही होता था। पर वो मेरा इनसे बात करने का इसलिए ज्यादा मन था बिकॉज ही इज ट्रू सिनेफाइल। मतलब बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं, बट जो एक्चुअली कोर फिल्म का कीड़ा होता है ही इज दैट गाय। सो ही राइट्स अ लॉट अबाउट फिल्म्स, ही हैज सीन अ रेंज ऑफ फिल्म्स। देयर इज आई थिंक टेरेंटिनो के बाद किसी ने सबसे ज्यादा फिल्में देखी होंगी, तो आई थिंक सेतु माधवन ने देखी होंगी। सो सेतु जी थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, टेरेंटिनो से मिलोगे उसको ही बता दोगे ये वाली फिल्म देखी तूने, वो वाली फिल्म देखी है। तो आप मुझे बताओ कि ये कीड़े कहाँ से लगे आपको, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और कैसे ये फिल्म लाइन की तरफ आपका इंटरेस्ट हुआ? देखो थोड़ा क्लीशे साउंड करेगा लेकिन हकीकत ये है कि बचपन से यू नो ये मेरे अंदर वो कीड़ा यू नो कहीं ना कहीं से तो घुस गया था। बट फर्क ये था कि यू नो लॉट ऑफ पीपल यू नो जिनका यू नो लाइक बचपन से ही ऐसा कुछ यू नो अतरंगी कुछ करने का हुआ होगा, दे माइट यू नो एज पीपल से कि यू नो बी आउट ऑफ फोकस, लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं था। मतलब आई न्यू दैट यू नो कि यू नो देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, लेकिन अल्टीमेटली ये मुझे करना है। हाँ मे बी 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अगर मैं उस समय वो भी यू नो लोगों को जाके बोलता कि मैं फिल्म लाइन ज्वाइन करूंगा तो लोग हंसते नहीं, कुछ और कर देते मेरे साथ, तो उतना मैं ओपनली बोलता नहीं था बिकॉज इवन आई वाज इन वेरी श्योर ना आई डोंट बिलोंग टू अ फिल्म फैमिली इन द फर्स्ट प्लेस। कहां से आप बेसिकली? बेसिकली आई एम अ केरलाइट, तो मेरी पैदाइश यू नो साउथ में ही हुई। यू नो आई स्पेंड माय फॉर्मेटिव इयर्स इन तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर। एजुकेशन मैंने वहां से किया था, स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन। बाद में फिर मैं जमशेदपुर गया MBA के लिए। तो उसके बाद से यू नो देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। यू नो कॉर्पोरेट करियर ने यू नो मेरे को यू नो पूरी पूरे देश में यू नो मेरे को घूमने का मौका दिया। दैट रियली हेल्प मी बिकॉज यू नो नॉट ओनली यू नो फिल्मों का शौक जो था वो कंटिन्यू होता गया, बट यू नो एक्सपोजर टू यू नो अदर लैंग्वेजेस एंड अदर कस्टम्स यू नो ऑल्सो यू नो वॉज यू नो मेड इजियर। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम शितेश जब इंटरनेट स्टिल नया, मतलब नया नहीं बोलूंगा लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था, पॉपुलर नहीं था जितना आज है। पैशन की सिनेमा जिसकी तुम रेफरेंस कर रहे थे यू नो दैट वाज अ टाइम व्हेन वी वर स्टिल यू नो स्ट्रगलिंग टू फाइंड फिल्म्स, एंड वो डायलॉग मॉडर्न वाला यू नो इनर जमाना था यू नो वेयर यू नो वो अगर यू नो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि अभी तो हम 50 Mbps 100 Mbps यू नो की कनेक्शन 56 Kbps भी आ जाता था खुशी। हाँ बहुत 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 यू नो मुश्किल से यू नो अगर एक पेज पूरा अगर 2 मिनट के लिए रुक जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। सो इट्स अ बिग 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 डील दैट वे। बट सी आई मेड इट अ पॉइंट यू नो बचपन में क्या था कि सी इन 80s and 90s जब मेरा यू नो स्कूलिंग का यू नो दौर चल रहा था, दैट वाज टिपिकली यू नो व्हाट यू कॉल इट एज द नॉट सो गुड फेज ऑफ Bollywood at least, Malayalam cinema and you know Tamil cinema was going through a very good phase. So and parallel cinema ka jo movement tha wo bhi bahut acha chal raha tha. So I will say that you know Indian cinema overall was going through a good phase at that time. Bollywood, commercial Bollywood was not going through a very good phase, but it was a mixed phase and very interesting. So as a kid, you know where jiska formative exposure to cinema ho raha tha, ek din main अडूर गोपाल कृष्ण जी का फिल्म देख रहा हूँ थैंक्स टू दूरदर्शन। अगले ही दिन बच्चन साहब या मिथुन दा का कोई फिल्म यू नो पापा को यू नो फोर्स करके पुश करके थिएटर में जाके देख रहा हूँ। तीसरा दिन रजनीकांत सर का यू नो कोई फिल्म देख रहा हूँ। यू नो सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स। सो एंड मैं क्या था कि यू नो आग खुला रखता था
आई वुड जस्ट वॉच एनीथिंग दैट वाज अवेलेबल कंज्यूम कंज्यूम सब कुछ कर लेता था एंड व्हिच प्रोबब्ली हेल्प मी लेटर ऑन यू नो वंस यू नो रीड 18 20 के हो गए कॉलेज आ गए यू नो as your exposure increases and as samajhdari bhi you know jab badh jati hai na matlab then you begin to distinguish are ye is type ki film hai ye is type ki film hai okay and then you realize ki like you can have personal favorites ki you know maybe you will as a filmmaker want to make a certain kind of film you will as an audience want to watch a certain kind of film lekin end of the day sab kuch cinema hai okay I think the primary realization really you know was the one bit that was very important early on was that you know don't look down on any kind of cinema and main ye sab you know main har kisi ko yehi kehna chahunga ha individual choice mein bhi Rishitesh might like you know 5 filmmakers or 10 filmmakers I might have my own favorites you know in particular language in a particular genre lekin my choice you know maybe different from your choice but I should not look down upon your choice and vice versa I think dikkat wahi hai kafi logon ke sath once you remove that barrier once you say that you know you know every kind of cinema has its own space then you pick and choose ki you know aapko kya dekhna hai aapko kya pasand aa raha I think then life becomes a lot more easier to mera wo phase मैंने प्लान नहीं किया था लेकिन ऑर्गेनिक देखते देखते, देखते हाँ फिल्मों को प्यार था देखते देखते हाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे पर पैशन फॉर सिनेमा एक डिफरेंट वेबसाइट है जो कि 2007 2008 के आसपास थी एंड इट वॉज ओपन बाई 4 इंजीनियर्स आई गेस इंडियंस ऑफ आप थोड़ा हिस्ट्री बताओ उसका हाँ तो बेसिकली पंकज सिक्का जिसको यू नो ऑज के नाम से यू नो बेहतर जाना जाता था तो ही वाज अ मेन गाय अलोंग विद हिज वाइफ एंड देयर वर 3 or 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स सब यू नो देसी इंडियंस थे मतलब लेकिन जो यूएस में ऑस्ट्रेलिया में वगैरह वगैरह यू नो जो उधर जाके यू नो अपना काम अपना कंट्री और अपनी कंट्री फिल्म रिलीज कर रहे थे बेसिकली उनको अपने देश से प्यार था उनको अपने सिनेमा से प्यार था तो दे हैड स्टार्टेड दिस I stumbled upon it purely by accident. क्योंकि क्या था कि मेरा corporate job ऐसा था कि काफी घूमना होता था so I would be out of my you know base town base city for almost 10-12 days a month इतना traveling होता था वगैरह वगैरह तो what I would do is like you know जब भी मौका मिलता था office में बैठे बैठे या at the end of the day मैं travel कर रहा हूँ शाम को अगर hotel room में हूँ तो you know कि You know, ये बॉलीवुड हंगामा वगैरह उस समय थोड़ा बहुत था तो कुछ गिने चुने फिल्म वेबसाइट्स थे इंडियन इंटरनेशनल वो ही मैं बार बार दिखता था एंड एवरी टाइम अरे यार यही 4-5 है क्या और कुछ है क्या और कुछ है तो ऐसे ऐसे करते 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 सडनली आई स्टम्बल्ड अपॉन यू नो पैशन फॉर सिनेमा हॉलीवुड की तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है बॉलीवुड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी क्या हो रहा है एंड यहाँ पे पैशन फॉर सिनेमा क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी जो है युवा पीढ़ी वो शायद इस वेबसाइट से वाकिफ नहीं है क्योंकि 2011 से यू नो वेबसाइट बंद पड़ा हुआ तो लेट मी टेल यू दैट यू नो दिस इज वेरी यू नो डिफरेंट वेबसाइट तुम्हें तो पता है देयर वर नो विजुअल्स अब फिल्म वेबसाइट बोलोगे तो इमीडिएटली क्या लोग सोचेंगे अच्छा ये पोस्टर ये रिव्यूज होंगे हां ये पार्टी पिक्चर्स कल के पार्टी में ये दिखे गए नॉट ड्यूरिंग द पेंडेमिक बट ऑलियर ये ट्रेलर फलाना ढिमका वो सब लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था इट वॉज मोस्टली टेक्स्ट एंड देवर लॉन्ग फॉर्मेट रिव्यूज भी अभी नॉर्मली रिव्यू फिल्म रिव्यूज 200-300 you know words के होते हैं 400 words के होते हैं यहाँ पे देखोगे तो उल्टा है मतलब people were encouraged to write longer posts you know longer posts 1000 words beyond there were interviews with you know with very good technicians filmmakers technicians writers. actually जिनसे कोई बात नहीं करता उनसे बात होती थी वो बात होती थी then बहुत पुराने जर्नलिस्ट भी थे उसमें 70s काफी लोग थे जैसे कि you know उत्पल बोरपुजारी जो दिल्ली में काफी पॉपुलर थे इवन अजय ब्रह्मत माज जो अभी भी यू नो हिंदी फिल्म जर्नलिज्म के फील्ड में यू नो ही इज वेरी पॉपुलर ही वाज देयर अब मोर इम्पोर्टेंटली टुडे जिन 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 हस्तियों का बहुत बड़ा नाम है उस समय थे वो लोग उभर रहे थे उतने बड़े नहीं थे बट पीपल वर ऑलरेडी लुकिंग अप टू हिम मैं जिक्र करूंगा उन लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप हो या श्रीराम राघव वो तो सब बताते थे उसमें कि गुलाल में मैं ये कर रहा हूं ये कर रहा हूं कंसल मेहता हूं मैं सब आजकल ये लोग बहुत बहुत बड़े हो गए उस समय आल्सो दे वर डूइंग फिल्म्स बट दे वर वेरी एक्सेसिबल दे वुड रिप्लाई टू कमेंट ऑन आर्टिकल्स सो देयर वाज लाइव इंटरेक्शन ओके
मतलब किसी 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 पोस्ट के नीचे जो कमेंट सेक्शन देखोगे नाम मिल जाता था इन लोगों का। पोस्ट तो छोड़ दो, पोस्ट तो बहुत बढ़िया था ही, लेकिन जो कमेंट सेक्शन होता था उसमें मजा आता था। रियल टाइम में एक तो वो इंटरनेट कनेक्शन ही इतना बेकार था, उसमें सोचो मुश्किल से यू नो मैं कोई यू नो विजयवाड़ा में या बैंगलोर से यू नो मैं टाइप कर रहा हूँ, अनुराग यू नो बॉम्बे में बैठ के वर्सोवा में बैठ के यू नो फटाक से रिप्लाई कर रहा है, मतलब उसका मजा ही अलग था ना कि यू नो यूर टाइपिंग अ कमेंट एंड विद इन सेकंड्स यू नो यूर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दीज गाइस। सो इनिशियली इट वाज लाइक आई वाज इन ऑल लाइक and why not, even I mean, some like, of the comments were like articles, long comments were there, long comments. So when this was noticed, you know, I realized ki chalo what became like a once in a week kind of a chalo hafte mein kabhi ya hafte mein do din maine kabhi kabhi beech mein check out kar liya, wo fir itna acha lagne laga ki fir roz main site pe main bhi addicted tha usko, so then I started reaching out to them and asked. After a while I realized ki, okay, not everybody who is contributing you know happens to be from the industry, some of them are from outside but who are passionate, so jispe main bhi tha. So I reached out to the editorial team and maine pucha ki is there any way by which I can contribute, they asked obviously they were keen to know, by that time main kaafi time se main comment karta tha ye hota to they knew that I'm a serious film lover. So utna tha but they still asked what kind of writing do you do etc etc. So maine kuch ek aaj sample can you send one or two samples, maine sample to ha no problem to bhej diya, they said okay fine let's do one thing for a few months first. Initially, you be a guest author. मतलब you send it to us. We like it. We will publish. मैंने कहा ठीक है. And that clicked. Then उस space में ही इतने सारे मैंने लिख दिए कि मतलब काम के चलते फिर भी मेरा movie देखना तो मतलब was so routine that you know almost like you know हर दूसरे तीसरे दिन मैं कुछ ना कुछ उनको भेजता था. And rejection rate was very मतलब very negligible. Most of the articles got published. So then within no time they said कि चलो अब रेगुलर ऑथर बन जाओ, फिर आप यू नो हमें भेजने की वगैरह जरूरत नहीं है, तुम खुद अपलोड वगैरह कर सकते हो. वहां से शुरू हुआ, देयर वाज नो लुकिंग बैक. इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट दैट यू नो कि वेबसाइट का जो लास्ट का जो दो साल था यू नो आई वाज लीडिंग द एडिटोरियल टीम, सो इट वाज अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस. यू नो पहले यू नो दो तीन चार साल पहले जब मैं नया नया था, आई वुड यू नो इंटरेक्ट विद यू नो पीपल लाइक द सेम पीपल जिसका मैं रेफरेंस दिया था, कंसल हो या श्रीराम हो या यू नो अनुराग हो, विद यू नो बट थोड़ा एक डिस्टेंस मतलब बिकॉज़ यू डिडंट नो लाइक यू नो हाउ दे विल टेक यू, बट वो धीरे 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 वो गैप कम होता गया एंड इवेंचुअली एज़ आई वाज लीडिंग यू नो पैशन फॉर सिनेमा और PFC जिसको पॉपुलरली बोलते थे, यू नो मैं लिटरली उनके साथ ऑलमोस्ट एवरीडे आई यूज्ड टू you know talk to them, because Hansel at one point of time was also you know working with us closely you know for a few months. So is tarah se experience bahut badhiya raha. Unfortunately you know due to you know certain unexpected circumstances website you know aage continue nahi kar paaye hum. I was very disappointed. I didn't know the reason, but I was very disappointed at that time. वो एक सोर्स था किसी भी फिल्ममेकर के लिए मोटिवेट होने का. जैसा कि आपने बोला, उसमें लोग सीरियस इसलिए थे क्योंकि आम आदमी उसे पढ़ ही नहीं सकता था. उसमें ऐसे आर्टिकल्स थे कि आम आदमी उसे पढ़ ही नहीं सकता. जिसको एक्चुअली इंटरेस्ट हुआ फिल्म, वही आर्टिकल्स रीड कर सकता था उसमें. बिल्कुल खत्म हो गया थोड़ा सा OTT की वजह से. उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट सिनेमा थोड़ा सा जगह बना रहा था. And there was a transition phase from real to digital. So people are thinking of making their own films. Anyways, तो उसके बाद MBA आपने कैसे मतलब क्या decide किया? MBA कब quit करने का सोचा? तो actually ये एक ऐसा passion का cinema था जो last का दौर था. ये दो साल जिसमें मैं उनका editorial team संभाल रहा था. I had a good team. मेरे अलावा पांच और जन थे. I'm very happy पांच में से तीन जन मेरे साथ. We almost decided to get into films at the same time, and they're also doing extremely well. One of them is a national award winning film critic, Tanul Thakur. One of them is a national award winning filmmaker, Neeraj Gaiwan. You all work together. Yeah. So it was a very good team. Then there's a guy called Kiran Rao, who was earlier a copywriter, and then he's writing some phenomenal stuff. So it was a good team. So ये सब इस स्पेस में आई काइंड ऑफ स्लोली तब तक मैं रेगुलर
कॉर्पोरेट लाइफ से मैं थोड़ा उब गया था, आई वांटेड टू मूव आउट ऑफ इट. सो एक ऐसा एक मोड आया यू नो लाइफ में कि अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड यू नो हैड अ इन अ स्लाइटली यू नो बैड यू नो फेस ऑफ हेल्थ, नथिंग सीरियस, बट यू नो एक ऐसा टाइप था कि वेयर आई हैड टू यू नो लाइक यू नो गो एंड बी विद हिम, स्पेंड अ फ्यू डेज एंड यू नो जनरली ऐसा सन यू नो कि कुछ नहीं था. मतलब मैं जैसे ही पहुंचा उनके पास, दूसरे दिन मेरे को पता चल गया था कुछ उतना सीरियस नहीं है एंड मैं हफ्ता दस दिन में आई कैन गेट बैक टू वर्क. बट वहां पे उनके साथ बैठे बैठे मैं दिन भर कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ उनके साथ बैठा हूँ एंड यू नो बातचीत कर रहा हूँ एंड इतना स्पेस था, सन्नाटा था, दैट यू नो आई स्टार्टेड आस्किंग मायसेल्फ यू नो व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ, यू नो व्हाई एम आई यू नो डूइंग दिस जॉब व्हेन आई एम क्लियरली नॉट एंजॉयिंग इट. सो जस्ट ऑन अ विम एंड फैंसी विदाउट एनी क्लियर प्लान इन माय यू नो माइंड आई जस्ट डिसाइडेड टू क्विट यू नो माय रेगुलर करियर एंड यू नो आइडिया था कि ये कभी ना कभी ये कुछ ऐसा करेगा. सो देवर लाइक यू नो कि एज लॉन्ग एज तुम क्लियर हो और तुम कॉन्फिडेंट हो कि यही तुम करना चाहते हो तो ठीक है. तो आई हैड वर्क्ड इन बॉम्बे इन द पास्ट, इट वाज अ नोन सिटी, तो वैसा कोई टेंशन नहीं था, लेकिन क्या करूंगा वो पता नहीं. तो एक दिन ऐसे ही आ गया मैं एंड उन दिनों मैं एक्चुअली चेन्नई में यू नो पोस्टेड था. तो मैंने क्या किया कि तब तक यहाँ चेन्नई से आने के पहले मैंने थैंक्स टू पीएफसी यू नो जिन कुछ को जानता था मैंने सबको ईमेल किया, एसएमएस किया, यू नो एंड यू नो आई थिंक व्हाट्सएप प्रॉब्ली वाज नॉट देयर बैक देन. सो यू नो ये सब किया, सबने बोला कि हाँ आ जाओ मिलते हैं यू नो बात करेंगे यू नो वील वर्क आउट समथिंग वगैरह. एंड लाइक अ फूल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस बिकॉज व्हेन आई लुक बैक I don't know how I did it. Same thing happened with me as well. I know. So, मैंने अपना return ticket 10 दिन बाद कब करा लिया? Return ticket इसलिए क्योंकि मतलब कि कुछ हो जाए, then I'll go and take all my things and you know, come back. Properly, okay? So, 10 दिन छोड़ दो, 7-8 दिन तक तो मेरा एक meeting भी किसी के साथ नहीं हुआ. आठवें दिन ये कुछ understand कि oh this is how Mumbai industry works. Industry works, okay? आठवें दिन या नौवें दिन लोग respond धीरे-धीरे करने लगे कि हाँ अगले हफ्ते दस दिन बाद या मैं अभी हूँ नहीं, मैं होता तो अभी इमीडिएटली मिलता, यू नो ऑल दोस थिंग्स. ओके देन माय ब्रदर टोल्ड मी, सो माय आई हैव अ यंगर ब्रदर, जस्ट टू ऑफ अस इन द फैमिली, वो भी बॉम्बे बेस्ड था. तो उसके एम पे था, ही सेड अच्छा आप कर क्या रहे हो, मतलब वापस जाके क्या करना है आपको इमीडिएटली. मतलब कुछ नहीं, सिर्फ टिकट लिया है ना, अभी कुछ फिक्स भी नहीं हुआ, मैं जाके वापस आता हूँ. मतलब मैं कुछ फिक्स करके इंटरव्यूज वगैरह इंटरव्यूज या मीटिंग फिक्स करता हूँ. नहीं काम कर, देन ही सेड नहीं भैया आप एक काम करो, just extend your you know stay, okay? And now only people have started responding. तो हो सकता है कि एक हफ्ते बाद, दस दिन बाद, you know, you will start meeting. I said okay, चलो ठीक है, I have nothing urgent to do back in Chennai, काम तो मेरे को इधर ही करना है. So I just got my ticket changed and rescheduled to you know 1 month. तो 10 दिन के बदले में मैंने 20 दिन और एक्सटेंड कर लिया. बोला चलो एक अब चलो मेरे पास 3 हफ्ते और है, पूरा तो कोई तो मिलेगा, कोई तो अब तो लोग मिलने लगेंगे, ठीक है. ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. अगेन 10 दिन ऐसे निकल गया, 20-22 दिन के बाद लोग धीरे धीरे मिलने लगे या एटलीस्ट बातचीत करने लगे. बट इट बिकेम वेरी क्लियर बाय 25th, 24th, 25th, इट बिकेम वेरी क्लियर कि चलो ये 4-5 दिन में भी कुछ होने वाला नहीं. इस बार मैंने प्रोएक्टिवली वापस टिकट एक्सटेंड कर लिया. ओके, ये करते 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 मेरे कुछ महीने ऐसे निकल गए. बट तीसरा महीना कुछ आई थिंक बाय द टाइम आई गॉट इन द थर्ड मंथ आई हैड टेकन अप समथिंग. लकीली तब तक 2 महीने का कुछ यू नो बातचीत वगैरह यू नो हेल्पफुल था. आई टुक अप कपल ऑफ सीन्स, इट वाज एज अ यू नो किसी के साथ एडी था ऑन अ स्मॉल यू नो इंडी प्रोजेक्ट. किसी इंडी फिल्म में मैं यू नो कुछ यू नो ब्रांड इन फिल्म ब्रांडिंग वगैरह के लिए मैं कुछ ड्यू टू माय कॉर्पोरेट यू नो वो तो बैकग्राउंड वो मैंने थोड़ा बहुत किया. पॉश लेविश लाइफ से अब सेट पे इंटरनेट का काम कर रहे हैं. बिल्कुल, मतलब आई वाज लाइक ये सब कर कुछ 6 महीने हो गए ऐसे करते एंड पता नहीं चला. आई हैड कंप्लीटली देन बाय दैट टाइम यू नो मूड बैग एंड बैगेज टू यू नो बॉम्बे वो मैंने कर लिया. लेकिन मैं यू नो आई वाज एट अ चौराहा, मतलब लिटरली वो क्रॉस रोड जो बोलते चौराहा खड़ा हूं, मेरे को दिख नहीं रहा है क्या करूं. उसमें उस समय एक चीज अच्छा हुआ, मतलब और एक चीज ज्यादा मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ. जो उतना अच्छा नहीं हुआ वो मैं पहले बोल देता हूँ क्योंकि उसमें तुम भी इन्वॉल्व हो कि वो एक फिल्म थी जिसमें हम लोग साथ में काम कर रहे थे, जिसमें तुम एडी थे और मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था. ओके, सो वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत सीखने को मिला
नॉट अबाउट फिल्म मेकिंग बट अबाउट फिल्म मेकिंग के पीछे भी बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उसमें ऐसा था कि यू नो सो वन गॉट एक्साइटेड यू नो कि चलो ठीक है आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल यू फिल्म कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं वो भी एज एन ईपी विद वेरी गुड पीपल जिनको मैं जानता हूँ, राइटर डायरेक्टर एक्टर्स यू नो असिस्टेंट डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर सबको मैं जानता हूँ, मतलब ऐसे ही एक यू नो टीम के साथ एटलीस्ट मैं शुरुआत करना चाहता था, लेकिन फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस यू नो व्हाइल आई कंटिन्यू टू बी एसोसिएटेड विद द फिल्म बट जो रोल ओरिजिनल रोल था यू नो वो नहीं था, इट वेंट आउट टू बी समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, आई वाज रियली फीलिंग वेरी 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 डिसअपॉइंटेड एंड वंडरिंग कि और क्या करूं, उस समय लकीली द गुड थिंग इज आई रीच्ड आउट बाय डिफॉल्ट टू टू थ्री पीपल फ्रॉम हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड मैंने पूछा उनको कि क्या किया। अच्छा अभी तक आपका प्लान क्या था, मतलब डायरेक्टर बनने का था या फिर कुछ और करने का था कि डायरेक्शन ही करना है? नहीं उस समय एक्चुअली आई वाजंट वेरी श्योर, मतलब फिल्में करनी है एंड आई वाज फिल्मों में क्या करना ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, सी क्रिएटिव अल्टीमेटली क्रिएटिव बट बेसिकली क्योंकि एक बिजनेस ऑफ सिनेमा में भी मेरे को यू नो लाइक आई हैड अ वेरी क्लियर यू नो आइडिया, क्योंकि क्या है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिव राइटर डायरेक्टर बनने का है तो उनको बिजनेस साइड में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, आई वाज समबडी हु हैड एन इंटरेस्ट इन बोथ, सो आई वाज लाइक यू नो दिस वे और दैट वे एंड इवेंचुअली I will reach my goal. Huh. So I asked a couple of mentors and you know whom I feel you know good mentors at that time unknowingly. They said ki boss if you are serious and you want to survive then first ensure that okay. Yahan pe tumhare jaise bahut log aate hain. Some leave in one day, some leave in 1 week, some leave in 1 year, some leave in 10 years. Lekin you know attrition rate bahut zyada hai. Huh. Tum decide karo ki tum kya karna chahte ho and if you are serious first stabilize yourself. So, they asked me are you broke? I said, yeah, I'm almost on the verge of being broke. Then they said, okay, this is a very dangerous situation. So, take a pause, you know, and take up another assignment. Take up something which you like. Don't get back to what you're doing. पहले कि उसमें क्या है कि उस चक्कर में पैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम वापस you know निकल के नहीं आ पाओगे. Okay, so take up something else which you also like. मतलब second best. Okay, अगर films you like a lot, then second best क्या है? So I asked myself कि second best maybe is education. So I took up this luckily I got this you know job as business head with a education firm called IMS. In fact you had reached out once, somebody in your family wanted to take a franchise. तो उस IMS का एक experience ऐसा अच्छा था क्योंकि एक तो I was interacting with मेरा core crowd पूरे students थे. Okay, so young crowd, so you were feeling very refreshed day in and day out. Also like you know also it was giving me a lot of time. Passion for cinema तब तक बंद हो गया था, mad about movies मैंने शुरू कर दिया था. तो ये सब अगर मैं कोई बैंक में या कोई IT कंपनी में कोई FMCG कंपनी में रहता, रगड़ के काम करना पड़ता, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने काम नहीं किया, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क बट इट जस्ट वर्क आई वाज एंजॉयिंग, सो आई कुड स्पेस आउट माय वर्क एंड यू नो मैं मामी अटेंड करता था. इनफैक्ट IMS में काम करते करते आई वाज ऑलवेज ऑन द मामी टीम आल्सो, सो आई वाज एडिटिंग देयर यू नो ब्रोशर फॉर एग्जांपल. ओके सो वो सब मैंने किया, आई कंटिन्यू टू मीट and bond with a lot of filmmakers. So I told myself ki 2 saal main idhar rahunga, 2 saal ke andar plan you know mera ban jana chahiye, kuch na kuch ho jayega, kuch na kuch ho jayega, bhale hi you know paise you know fight ho but I will have a plan and that is what ended up happening. Okay, so by the end of second year khatam hua, I left and you know I knew what I had to do and that's what you know wahan se again it was not very easy but I knew that you know tab tak kya ho gaya tha ki फिल्म मेकर बनना है. सो मतलब डायरेक्शन में आने का प्लान कर लिया था या प्रोडक्शन में बिकॉज उसका भी कारण ये था कि एक तो प्रोडक्शन पसंद था, ऑल्सो कि डायरेक्शन करने के लिए अलग अलग रूट होते. मैं फिल्म स्कूल नहीं गया था, मैं बिजनेस स्कूल गया था एंड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स बट फिल्म स्कूल नहीं गया. सो एक आई कुड हैव स्टिल गॉन बैक बट स्लाइटली थोड़ा लेट हो गया था, मतलब वापस क्यों मैं जाके 3 साल अभी FTI में you know या बाहर जाके कुछ करो, सेकंड कहीं भी जाओगे 2-3 साल तो लगेंगे. तो देन अगर मैंने ये 10 साल कुछ जो मैंने कॉर्पोरेट में उस समय तब यू नो स्पेंड किया होता उसके बदले में मैं अगर सीधा फिल्म से आया होता या 3-4 साल में आ गया होता, देन आई कुड हैव बीन यू नो एडी विद सम गुड डायरेक्टर्स. यू नो लकली वो एक्सपोजर था मेरे पास, आई हैड एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, आई कुड हैव जॉइन देम, लेकिन एट दैट स्टेज इफ आई हैड जॉइन देम व्हाट वुड आई हैव डन, लाइक कि एक तो आई विल बी यू नो 7th AD 8th AD वगैरह, क्योंकि मतलब
वो मेरे को पता ऐसा टीम सारी भरी होती है उनकी इमीडिएटली ऐसा तो नहीं कि मेरे को एसोसिएट बनाने वाले यू नो वो मेरे को लाइन से आना पड़ता वो फेवर ही करेंगे कि आ जाओ तुम अच्छा चलो ओके एंड देन अर्निंग लिटरली जीरो और एज गुड एज जीरो तो वो भी मुश्किल था इंडिपेंडेंट सिनेमा को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग था एंड वेरी फ्यू पीपल जेन्युइनली डू जस्टिस टू इट ऑल्सो रियल सिनेमा बॉम्बे ऐसा शहर है कि यू नो वेर यू नो फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बाहर की भी फिल्म्स आती है वो तो छोड़ दो बट यू नो साउथ की कोई भी लैंग्वेज का फिल्म्स ले लो या पंजाबी ले लो मराठी तो है ही बंगाली ले लो यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ फिल्म्स यू नो रिलीज है बट कोई यू नो कोई स्ट्रेटेजिक यू नो तरीके से उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है स्पेशली द स्मॉलर फिल्म्स चलो कोई यू नो अजीत या विजय या महेश बाबू या पवन कल्याण की फिल्म हो तो वो तो ऑटोमेटिकली you know like bade scale mein release ho jayega but what about those smaller films you know which might need some push so I thought you know why not I you know try and you know reach out to those filmmakers and see if I could you know help them so while I was trying to you know become you know steady into production mere sath sath you know as a distribution and marketing consultant ye kaun se saal ki baat hai 2013 se leke 2017 tak in fact dar ke shuru ke dino mein main ek parallel karta raha मल्टीप्लेक्स वालों को तुम जाके बोल रहे हो कि यू नो कि सर इसको प्लेसमेंट दे दो मतलब कम से कम एक शो तो दे दो एंड दे आर लाइक ओडिया फिल्म कौन आएगा मतलब मुंबई के थे आसपास तक ओडिया फिल्म रिलीज नहीं हुई And I've done it, okay? And वो passion था, so वो कर लिया, okay? And I realized कि बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें। लेकिन अगर करने को अगर सोच लिया ना इरादा बना लिया तो कर लोगे। तो And उसी बहाने I also worked the production का experience, you know, before I became a full-fledged producer, independent films भी बहुत मैंने you know काम किया, so Tamil films किए मैंने, Assamese film किया मैंने। as an EP, as a line producer, as a supervising producer. So, you know, whatever exposure, you know, बीच में क्या था कि IMS और दार के बीच में जस्ट हल्का सा गैप था वो गैप में क्या हुआ कि इंडियन आइडल करके जो फेमस शो है जिस कंपनी उस इंडियन आइडल ब्रांड को ओन करती है वर्ल्ड वाइड फ्रीमेंटल करके इट्स अ वेरी बिग कंपनी सो दे डू अ लॉट ऑफ शोज इन इंडिया एज वेल तो दे वांटेड टू एक्सटेंड द ब्रांड यू नो इंडियन आइडल एज अ रियलिटी शो तो है ही लेकिन इसका जो गुडविल है क्या हम इसको लीवरेज करके इस ब्रांड को और एक्सटेंड कर सकते हैं सो दे हैड आइडियाज लाइक यू नो इंडियन आइडल कैफे इंडियन आइडल यू नो मे बी लीजर वेयर इंडियन आइडल ट्रेनिंग अकेडमीज यू नो तो ऐसा उनका काफी बड़ा प्लान था इंडियन आइडल ट्रेनिंग अकेडमी सेटअप करने के चक्कर में मैं और कुछ लोग उस यू नो उस मिशन में जुड़ गए सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू गाइज हू गॉट ऑन बोर्ड एंड we try to you know set it up it was a very rocky experience kyunki on paper bahut interesting bahut acha lagta hai because see the objective was very good you know ki you know bache you know especially aajkal you know talented hai and maa baap you know want to you know unhone apne bachpan mein kuch kiya nahi for whatever reason ya kar nahi paaye to wo chahte hain ki apna you know ladka ya ladki you know bade singer bane bada dancer bane and पुश कर देते हैं ओके लेकिन हाउ डू दे गो अबाउट इट यू नो क्या जरिया है सो दिस वाज इंडियन आइडल एकेडमी वाज वन वे ऑफ हेल्पिंग दीस किड्स गेट ट्रेन्ड एंड यू नो बी प्रोजेक्टेड इन द राइट वे सो अगर सही तरह से अगर इसको 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 अगर प्रोत्साहन मिलता तो दिस कुड बी अ वेरी 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 बिग गेम चेंजर मे बी वो बोलते हैं ना कि अहेड ऑफ इट्स टाइम थोड़ा अहेड ऑफ इट्स टाइम था तो वो क्लिक नहीं हुआ तो उसके चक्कर में आपने जॉब छोड़ के इंडियन आइडल वाला वो ज्वाइन कर लिया हां ज्वाइन कर लिया था वो वर्कआउट नहीं हो रहा था वो लेकिन वो जल्दी पता चल गया था सो वो टाइम वेस्ट नहीं किया एंड इसके पहले कि मैं और कंफ्यूज हो जाऊं
या मैं और दुखी हो जाऊं तब तक दार का अपॉर्चुनिटी मिल गया। एंड तो दार में किसी को जानते थे या अप्लाई किया था या कोई? नो सो ये भी इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि ये इसलिए इंटरेस्टिंग है और बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, who want to get into this field but who don't know how to get in. So outsiders basically. Right? Who don't have connections. So जो मेरी वेबसाइट है Mad About Movies वो तब तक थोड़ा बहुत सेट हो गया था। I'm talking about 2013 now, so 2 साल लगभग हो गए थे। That was this guy श्रीनिवास करके बंदा है, good friend, he used to also write for Mad About Movies on and off. Advertising, copywriting, creative, वाला बंदा था। He happened to know, the founders of Dar, and Dar at that time, coincidentally, उनको कुछ online में, internet में, कुछ करना था उनको। Okay, so they said they had a look at Mad About Movies and they liked it and they said कि चलो कुछ कर लेते हैं साथ में। Why don't we meet Setu? And so that's how I ended up meeting them and we continued to meet over a few weeks, months, तीन चार मीटिंग हुए, अच्छा एक इंट्रैक्शन हो गया था, अच्छा एक एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो ऑनलाइन प्लान था वो टेक ऑफ नहीं हुआ। ताई बोले कि यार मतलब घूम फिर के अभी वापस क्या कर रहे हैं, लेकिन मे बी हर एक एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग जो बोलते हैं ना, तो इसमें भी क्या हुआ कि दे काइंड ऑफ लाइक माई आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स सिनेमा, माई नॉलेज और व्हाटएवर, एंड दे कॉल मी बैक एंड से कि चलो ये तो नहीं हुआ, एटलीस्ट अभी के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में काम क्यों नहीं करते, यू सीम टू बी प्रीटी नॉलेजेबल अबाउट सिनेमा, यू हैव गुड आइडिया अबाउट रीजनल सिनेमा अक्रॉस लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट, हमारे पास काफी सारे एक्सपीरियंस आते रहते हैं, व्हाई डोंट यू हेल्प अस इन द होल selection process, also keep telling us be on the lookout for a good film which can probably be a good remake potential or a play or a book or whatever it is. So aisa ek initially ek 2.5 saal chala. That was also the time when Dar was doing really exciting work. Lunchbox, Ugly, D-Day, ye sab films ban rahe the. So while I couldn't really work on the production of these films kyunki mere aane ke pehle ग्राउंड वर्क ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स का हो गया था, लेकिन आई वॉज ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, तो मेरे मीटिंग्स में अटेंड करता था, आई यूज्ड टू सिट डाउन विद दीज डायरेक्टर्स, मार्केटिंग प्लान्स जो होते थे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स जो होते थे, वो सब क्योंकि वैसे भी मैं इंडिविजुअली भी करता था, तो ये सब फ्रॉम अ बिग प्रोडक्शन हाउस और अ रिलेटिवली बिग प्रोडक्शन हाउस एंड वर्किंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स, मेरे को वो भी सीखने को मिला कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। इट वाज अ वेरी दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग 1.5-2 ईयर टाइम as a creative consultant with that. अच्छा बेटा, फिर उसके बाद आपने फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया वहां पे? हाँ, तो ये था कि दार में ऐसा था कि शुरू में ही we had a very very face nice honest discussion, तो ये पूछा गया था कि चलो eventually क्या करना चाहोगे, तो उसे पूछा गया था, तो मैंने कहा कि तब तक I had already like I was sure मैं क्या करना चाहूँगा, ऐसे कि I want to be a producer. They said okay great, so what we'll do is we'll work out a way in which whichever projects that you're it is happening through you, मतलब तुमने scripts choose किया या तुमने remake subject choose किया वगैरह वगैरह, eventually on those projects we'll give you an opportunity, maybe you will start off as a executive producer or a co-producer or something to begin with and turn producer eventually. How does that sound? I said but yeah, that's great, I mean that's fine. So ye understanding hum dono ki side se pehle se tha ki eventually I will turn producer, but wo date and all because we don't know, the film line mein to वैसे भी सब कुछ बहुत open है and we very flexible, we don't know, and itna variable hota hai ki kab kal kya hoga, koi guarantee nahi hai, so we were like at the right time jab right mauka aayega tab dekha jayega, so that is how we looked at it. So, which was the first film you produced after that? So, there was a break again in between, because 2015-16 was a tough time for the industry, the film industry, Bollywood in particular. Demonetization, and just uske pehle se hi thoda shuru ho gaya tha. Kya hua ki Disney, UTV became Disney, and mergers were happening. Turner, India was coming. They were like, film production hum abhi rok denge. Balaji was going through a tough time. Balaji said, वो ऑल्ट के पहले की बात है, जब
बालाजी से कि नहीं अभी हम ऑल्ट लेके आ रहे हैं तो डिजिटल एंड अपना बालाजी टेलीविजन जो है उस पे ध्यान देंगे, फिल्म्स विल बी कैपेसिटी फॉर टाइम बी। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप ही हो रही थी लगभग, उनका ये एस्टैब्लिश बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ जब ये ऐसा हो रहा था, डार्क का भी कुछ इश्यूज था क्योंकि कपल ऑफ फिल्म्स यू नो डिडंट वर्क एज वेल एज यू नो टू एज एक्सपेक्टेड एंड तीन चार फिल्म्स you know which even were doing very well festival circuit mein wagera wagera wo atak gaye the for various reasons okay jab ek ek sath you know do teen film you know theek se nahi chalti hai itna chalna chahiye teen char film you know bahar aa hi nahi raha hai then obviously you know you are in a tough situation so the company was also going through a very bad phase and you know they were like you know because abhi to problem hai you know we don't know how we will get out of this mess. We are confident ki hum kuch na kuch karenge and we want to fight and get out of it. Lekin filhal kuch idea nahi hai. So they were very open with me ki because agar time being agar you know tum aur kuch karna chahte ho anything worthwhile agar you know agar kuch opportunity hai to please take it and lekin because we don't know what the future is. We don't know what the future is so we don't want to stop you. Lekin jaise you know things start looking better we will call you. Hope you will be When he was at PVR, I had interacted, so we had done, you know. He's also from corporate guy. Yeah. So he's also an MBA and all that. So we understood each other well. So he asked me, "So, ek kaam karo na, like, why don't you come? You know, and kind of spend some time with us over here." Like, okay, and Rishim the first couple of films itself, but were good. I mean, like, so I was like, "You chalo, aapko dekhi and all that." So you knew that, chalo, ye achhi film hai banate hain. So, lekin main pahunch raha wahan pe. And I was getting a slight surprise ki I thought mujhe wo production house ke liye hire karenge tab pata chala ki wo saath mein unhone VFX studio you know khola hua tha and they were like you know ki iska business tu sambhal main bola ki post production aur VFX CGI DI ye sab mere liye unknown hai matlab I mean I am technically decent sound, but this is not really my liking matlab I mean, as a producer, I know ये सब भी होता है फिल्मों में, but not something that you want to do. हाँ, अब makeup भी आता है पर करना तो आप उसको profession थोड़ा बनाना चाहोगे. Seriously, for example, I know this importance of say, for example, cinematography. Okay, but मैं इतना deeply नहीं तो नहीं घुसूंगा ना कि lighting और ये और lenses, मैं क्यों करूंगा? That's not my work. Okay, and that's not what I'm supposed to do. So I wasn't very sure, but Shila, you know, pushed me. He said कि नहीं, come on. There's nothing wrong in learning something new. Also, give it a try. Maybe after some time, if you don't like it, we'll see. Or if production mein, agar we can, you know, pull you in. You know, after some time, wo bhi dekhte hain. So that's why I went in. And main Dar ko bol ke gaya tha. They knew it from day one. But it was not that great over there. Nothing to do with Drishyam or anything. But it was because of the nature of work. You know, VFX and all that. It was not my cup of tea. And within no time, I realized it. Coincidentally, क्या हुआ मैं और सुलतिया we both left Rishim around the same time and in my favor what had happened is one of the reasons which helped me to take the call of leaving also apart from the fact that I was not liking my work also the fact that Dar called me back okay so that was a good thing that was a good thing so उन्होंने अपनी बात रख ली so I was very happy in fact मैं Rishim ज्वाइन होते होते ही उन्होंने कॉल कर लिया था बट आई वो इट डिडंट साउंड वेरी प्रोफेशनल क्योंकि आई ऑलरेडी कमिटेड टू देम तो आई सेड कि नहीं अभी कुछ टाइम तो एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स तो रहना पड़ेगा बी देयर एंड देन आई विल कम ऑफ देन दे अगेन कॉल बैक एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी यू नो क्लियर कि मेरे को निकलना है सो मैं निकल गया था एंड दिस टाइम दे गिव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो प्रपोजल दे सेड अच्छा बाय द वे वी हैव हैड अ रीस्ट्रक्चरिंग यू नो दैट वी वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम बोला हां वो सब पता है तो काफी लोग निकल गए कुछ नए लोग हैं कुछ पुराने लोग भी हैं सो यू हैड ऑलवेज सेड यू वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर राइट बोला हां आर यू स्टिल कीन मैं बोला ऑफ कोर्स नेकी और कुछ इसने किया है तो देन दे सेड चलो फिर यही मौका है देन एंड साथ-साथ
why don't we offer you something additional? Like, why don't you, you know, take over the company as a CEO, and you can be on the, you know, the board of the company as well. This was a huge thing. It was huge. I was also not expecting it. But I think I told myself that kuch na kuch unhone acha dekha hoga. And, you know, which is why it was not me pushing them. I knew that I had to be a producer and go. Maybe I was expecting it for today, tomorrow. But iske saath saath agar additional responsibilities mil rahi hai. Over the time they met you, they trusted you. So that is what happened. And it's been now just a little more than 5 years since I, you know, moved back to, you know, that officially turned producer, became the CEO of the company. So going back to your question of which was the first one, it was Bucket List. It was a 2018 May release, 3 years since it released. 16 May और 18 May के बीच में 2 साल था वो actually हम 2-3 फिल्म कर लेते उस बीच में and not just Bucket List लेकिन वो एक तो demonetization आ गया उसी साल मेरा join होने की 5 साल के अंदर so that और खुशियां आ गई ज़िंदगी में हाँ तो मतलब literally जो वाट लग गई जो जो मुंबई भाषा में जो बोलते हैं ना तो मतलब बैंड उसके repercussion आज भी झेलते हैं हम लोग इसीलिए बात करोगे तो यार demonetization की वजह पैसे नहीं बचे तो बना बनाए प्रोजेक्ट्स काफी हमारे बिगड़ गए you know, काफी हाथ से छूट गया काफी पर्सनल नुकसान प्रोफेशनल नुकसान सब हुआ बट वी ब्रेव्ड इट जैसे काफी और लोगों ने भी यू नो बहुत समझदारी के साथ इसको मैन्यूवर किया हम लोग भी आगे बढ़े 17 में बकेट लिस्ट क्लिक हुआ थैंकफुली वी वर लकी टू गेट माधवी जी ऑन बोर्ड एंड इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी क्योंकि कैसे हुआ वो प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कैसे शुरू किया क्या किया उसको तो उसमें क्या था कि एंड योर फर्स्ट एक्सपीरियंस मीटिंग माधवी जी ओके सो शुरू में इन द वेरी इनिशियल फेज मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था प्राइमरी बिकॉज़ अच्छा दे ऑलरेडी हैड दिस कांसेप्ट दे अप्रूव्ड इट कि अच्छा ये वाली फिल्म नो नॉट एग्जैक्टली कांसेप्ट आ गया था वी हैड अनदर यू नो कंपनी कॉल्ड ब्लू मस्टैंग जिनके साथ हम पार्टनरशिप पे ये फिल्म कर रहे थे सो तेजस दियोस्कर जो इस फिल्म के डायरेक्टर है मार्केटिंग के डायरेक्टर ही वाज पार्ट ऑफ ब्लू मस्टैंग He had reached out to my colleague, my partner Vivek at that time, Vivek Rangachari, and he had a concert sunaya tha and so Dar had always done Marathi films on and off. Primary focus to Hindi hai, lekin beech beech mein Marathi films agar achhi hai, achhi aur koi strong USP ke saath agar mil jati to kar lete the. So isme story was very simple, nothing extraordinary, and it revolved around this protagonist who was a female. Okay. And she was a 40s वाला character था तो हमने पूछा कि अच्छा तेजस you know किसको आप you know पसंद करोगे I think given a choice तो he said straight away you know इसे तो 4-5 लोग fit होंगे लेकिन ख्वाहिश मेरी माधुरी जी के साथ ख्वाहिश मेरी माधुरी that set his thinking so I was not in the picture so initial set of meeting ये सब जो हो रहा था मैं नहीं था Vivek said, okay, we have also not worked with Madhuri, so that's a challenge. So why not? So he did the first couple of meetings with Madhuri and I knew kuch possible. Madhuri ji was in India at that time. She was in India. So that was talks going and ye sab mujhe pata tha. I was kept in the loop, I knew. The moment Madhuri ji ne, you know, thoda bahut interest dikhaya, unhone, you know, synopsis padh liya, unka character unko, you know, samajh mein a gaya and she said, chalo, ab baat karte hain. Now this is looking interesting. From that time onwards, you know, I was also brought on board the project. After that, you know, I was there for nearly all the meetings. My first meeting with, you know, with Madhuri was like, you know, very interesting. I mean, maine kuch baat kiya nahi for quite some time. I was just looking at her because I mean, for a lot of us, bachpan se dekha, she was my all-time favorite, you know, actress okay I was like but obviously then within no time you know I'm getting introduced you know he's the producer. Dar, producer so obviously then I have to you know take a guard so from that time it was a different you know feeling altogether so wo unke samne I would always behave very professionally. I would never be tongue-tied. But deep down there, I was a kid who wanted to know, just tell her how much. So I would tell myself ki yaar kuch saal pehle main producer nahi hota to main aapse you know like ye bolta wo bolta you know itni sari kahaniyan hai mere andar you know batane ke liye lekin obviously nothing or what happened.
we've had so many meetings in our office in her home and office on sets. So obviously nearly every day baad mein, even during dubbing and throughout that journey so it was very 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 interesting working with her. She was a thorough professional. So for a first film as a full on producer to work with a legend like her, I think that really was something. It was like a dream come true. I couldn't have asked for a better experience to start with. That gave me a lot of encouragement, and yeah, between 18 and 21, again, apart from photograph, that was the project we had already committed to, because Ritesh ke saath hum log already lunchbox kar chuke the. So usme, frankly speaking, I don't want to take much of a credit, neither for me nor for the company. Because Ritesh has already became a huge filmmaker. Yeah, he had become huge. Ek cheez point out karna chahunga ki photograph was conceived right after or parallel with lunchbox. If we had wanted, agar hum chahte to ye back to back ho jata. But Ritesh had a plan. He was like, kyunki lunchbox ne already unko international acclaim de diya tha, and people are already reaching out to him from outside. So he wanted to do a couple of projects outside, which he did. And he did, and those projects also, projects like films. Yeah, he's done two films, international films. One in Hollywood and one in both are English films. One is a Hollywood film and one is a UK based film, and you should check out those films. I will. So I thought Photograph was his second film. No. So it's his second Indian film, and his fourth film. I was wondering, after Lunchbox, he should have gone like for Marvel or something, because he was huge actually. I'm sure he will, because he's worked with some fantastic, veteran actors in his international projects. But he has that genre of making those kind of films, two characters, simple films. He's very good with it. So we didn't have much to do on photograph, because Ritesh ne pura setup hi aisa kar liya tha that it was not like bucket list where so yahan pe aisa nahi tha, but it was good. So it was a good film for us to be happy to talk about, very proud, because uska international premiere Sundance mein hua, uska European premiere Berlin mein hua, Amazon ne usko as an original pick up kiya, and we also managed to get a theatrical release in India and USA. So what more can we ask for? Ask for, true. So after that, there were quite a lot of films that we have been trying to set up. We've done some really good work. Humne kafi, at least 6-7 books ke rights liye hue hain, very 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 interesting books across genres, which will lend to very good projects. We have some 3-4 good biopics in hand, and we have also इस दौरान हमने प्री पैंडेमिक में ही, दैट इज इन 2019, हमने साउथ में भी एंट्री मार लिया है. सो आज यू हैव डन अ फिल्म देयर. वी आर डूइंग, सो नो, मैंने इंडिविजुअली पहले काम किया हुआ, बट थ्रू दार वी आर नाउ डूइंग फिल्म्स ऑन साउथ. सो एक्चुअली लास्ट ईयर अगर पैंडेमिक नहीं हुआ होता, हमारी दो फिल्म्स बन जाते, एंड वन ऑफ देम वुड हैव बीन अ तमिल फिल्म, which was in the news actually. It's a biopic of cricketer Muthiah Muralidharan. Acha, Muthiah Muralidharan, and there was some controversy na, kuch to controversy hui thi, main bhool gaya, because Sri Lanka wala, ha, because he said something about Sri Lanka, something. Who was playing Muthiah Muralidharan? विजय सेतुपति. आई लव विजय सेतुपति. मैं वही कह रहा हूँ, मैंने देखा है वो पोस्टर, पर बहुत पहले देखा है, एंड आई हैड नो कंट्रोल. I'm a huge fan. I think you are also a huge fan of Vijay Sethupathi, who is right now. So, I was very happy. I was very happy to interact. You met him? Sign him? Yeah. I only signed him. Acha, how was it meeting Nawazuddin? You might have met him earlier, because you kept on meeting Anurag Kashyap, na? Yeah. So, I mean, you knew Nawaz from before. Knew him. I wouldn't say that. I mean, we are very close or anything. It's very professional. It's great. I mean, because. With from Vasipur onwards, his journey has been totally different. No? Totally, I mean, different. And before Vasipur was totally different. Yeah. So we are very proud of him, proud of his work, and happy that he's also done some good work. In fact, he's done 4 films with us. Dal Pictures. So, with Dar, he's done Lunchbox, he's done Photograph, he's done Ramkor, and Monsoon Shooter. So
So I mean, we're very happy that you know, it's not often that you get to work with a very talented actor. With him, there is no doubt, man. Like for anyone else, you can say, okay, he's a good actor, he's a bad actor. But for Nawazuddin Siddiqui, everyone says in unison, he's a great actor. Absolutely. So that's a good thing about him. Ajay, what is actually meant by producer? Like most of the people think that producer is someone who invests the money. But it's clear you didn't invest the money. You came on board as a producer. What are the job responsibilities of a producer is? Okay, so I'm sure you've been meeting a lot of people, a lot of producers for your own films and, you know, for your channel. And different people will handle this question differently. You have to tell me, if you can, please tell me the literal definition and the definition, you know, that is prevalent in Mumbai as well. So, because I also want to know what is meant by creative producer, associate producer, and all these things. What is meant by that, and what are their job responsibilities? Huh? So, if you had to go by the a textbook way of addressing it, a producer is somebody I'm not using a dictionary for the definition, but what I'm just saying. But classically speaking, a producer is somebody who backs the project and ensures that it is getting made end to end. Okay. So the while the director is the creative head and is shouldering the complete creative responsibilities, everything else which is non-creative, but important to ensure that shuru se leke end tak the output is coming out in the right way, it is a producer responsibility. Now abhi film people are talking about zero budget film and all that. Theek hai, zero budget bhi ho sakta hai, kar sakte ho, I mean no harm, lekin end of the day uspe bhi kuch to paisa kharch hoga. Ek to paisa. Secondly, logistics. Third, date कौन करेगा वो? Account कौन रखेगा? Logistics है, financing, then obviously operations. So if I were to you अगर मैं अपने corporate experience से relate करूँगा, I will call a producer as somebody who's like the operations head of the team. Because end of the day it's like handling a profit and loss account. सारा incoming and outgoing, handle karna is ultimately the producer's responsibility. Now what is happening is, depending on the size of the project, the nature of the project, one can have multiple producers also. So when there are multiple producers, and if all of them hold the designation producer, then it is left. Agar Kshitij, Setu or X, teen jan milke agar produce karenge, then between us we have an understanding. And ideally we should put it on paper. That ki Kshitij will take care of X, Setu will take care of Y, and the other person who is whatever he is or she is will take care of maybe something else. Okay, between us we have to divide the roles. Otherwise there will be a lot of clash. Okay, or we just say ki chalo we'll just go with the flow. Lekin usme kya ho ki kuch na kuch takrar baad mein aayega hi aayega. Very often if you have multiple producers, then the way of differentiating it is somebody takes care of the financing. And does nothing else. For example, there are various films in which, if there are two producers or three producers involved, there's one entity who only does the funding. And it never comes to set even. May come, may not come, but that's not their lookout. They don't get involved into the nitty-gritties. They will want to know ki film ka budget, sahi se meet ho raha hai ki nahi. Execute hua hai ki nahi hua. No, wo sab hai, who's coming on board and etc. But rozmarra mein, utna nahi ghuste. They will either put in their own money or they will bring money from outside. But that is their primary lookout. Okay. Whereas the other one or two producers, they are the ones who actually physically execute the movie. They are the ones who actually run the show. When they say run the show, they are present on set. They are present on set day to night. They do all the negotiation with the cast, with the crew. They are the ones set up the entire film. They hire everyone. They bring everyone together. Everything together, and that's how it is set up. So to answer your question about a producer, it is no. I know common man even today. Sometimes a lot of people ask me some family maybe kuch log puchte.
अच्छा तू अब खुद के पैसे डालती है ऐसा कुछ मैं करूंगा यू नो सो वेरी फनी बट कांट हेल्प इट यू नो नॉर्मली वैसे ही लोग वही सोचते हैं दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज पीपल आर वेरी कंफ्यूज लाइक आई वोंट टेक द नेम्स बट देयर आर सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेस व्हिच पुट देयर फादर्स नेम एज अ प्रोड्यूसर इवन दो दे आर डेड Right. It is back. So this gives a bad idea or wrong idea. I won't say bad idea, a wrong idea to the people that they think that, okay, the producer is the guy who owns the owns the production house or has put the money behind it. But the best film for Oscar or the best film fair for any film goes to the producer because he's the person. This is what I personally believe that he's the person who is works most on the set. Director just, he makes the job of director easier basically. Absolutely, absolutely. You know, in fact, a lot of load, you know, from the director's shoulders is lifted off if the producer is really, you know, efficient enough. Mm. And you're right about it. So, so funding or financing a film is not a must. You know, if you need to be a producer, yes, it helps. Mm. For example, I'm being very honest in admitting that, you know, I have not funded, you know, my films myself. It's not my money which goes into, you know, the films. As a company, as a production house, we have a structured manner by which we fund our films, and that is how it is happening. But yes, if I tomorrow for some reason there is a shortage or a shortfall in a certain project, and thanks to the kind of experience that I have, if I'm able to leverage my networking skills. And put some that, money, you know, and if I can take care of it, that only makes me more efficient and you know makes the project also you know happen you know in the manner jo humne socha tha, right? Yes, funding or being able part to fund of the it is a part of the job. If you can do it, great. But I think that is not the be all and end all of being a producer. Okay, this is much more than that actually. Yeah, this is much more than that. Okay, now rahi baat. You know, what is the difference between a producer, co-producer, associate producer, executive producer. That is, I will leave out three things. Executive producer, line producer and supervising producer. Ye teen chod ke, and maybe a creative producer. Ye char chod ke, baki sab jo hai, you know, co-producer, associate producer, ye sab, these are more, you know, technical, ways by which you can, because agar bahut sare log jude hue hain, this is just English method of giving designation to people and tell them like, okay, you are very important. Sorry, producer nahi de sakte because farana hai, lekin aap production aap producers team ke hissa ho, so you know instead of a producers you know like designation on this project, you know you take a, you know, so in fact wo sir mere jaise recent producers nahi, even बहुत बड़े यू नो सीजन प्रोड्यूसर्स के साथ भी वो वैसा होता है हाँ. No, on some projects I think this entire thing about creative producer came because of that. ये तो को है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एसोसिएट है, तेरे को क्या बनाऊं, एक काम कर तू क्रिएटिव प्रोड्यूसर बन जा. तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कभी-कभी ऐसे नाम के लिए भी दिया जाता, ऐसे काम के लिए दिया जाता. I got that thing as well. But कभी-कभी सीरियस भी होता है. So sometimes what happens is that आप मेरे को ये बता दो, क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्रिएटिव डायरेक्टर के जॉब रिस्पांसिबिलिटीज क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है उसमें? ओके, या सो लेट्स टेक अ फिल्म इन व्हिच देयर इज अ डायरेक्टर. ओके, यू आर द डायरेक्टर, आई एम अ प्रोड्यूसर, राइट? सो लेट्स स्टिक टू इट. नो, आई वांट टू प्ले अ स्लाइटली मोर यू नो मोर क्रिएटिव यू नो रोल देन जस्ट बीइंग अ रेगुलर प्रोड्यूसर. सो I want to be involved in the writing. You know, I give my suggestions. I'm part of the narrations. You know, both within the team, also the narration that happens with the actors, with the HODs, etc., etc. You know, and I'm giving my creative inputs also. I tell them that, you know, so boss, climax shot aisa plan kya hoga. I might, you know, for whatever reason, you know, say that, you know, let's look at it differently. Maybe the director also might see merit in it and listen to me. So agar aisa is tarike se agar kiya ja raha hai, then I can claim to be a creative producer. Creative director, you know, there's only a thin line of difference between a creative producer and a creative director. Normally kya hota hai ki if an individual is coming into the scenario and doing whatever I told you, you know, he or she already happens to be a director, he's already in the market as a director, then he might, you know, prefer to, he or she might prefer to use
the term creative director and not creative producer, because they might say ki nahi, it will affect my standing in the market, or log sochenge ki maine as from direction why did you shift to production. Aur kabhi kabhi kya hota hai ki one of the actors also might harbor an interest of going behind the scenes. कभी कभी वो भी एक larger than life role निभाते हैं, तो कभी इस तरह से भी होते हैं. So that is how a creative director or a producer comes into the picture. जो मुंबई से बाहर लोग बैठे हैं, आउटसाइडर्स हैं, फिल्म स्कूल में हैं, जब वो मुंबई आते हैं, और मुंबई उन्होंने कभी नहीं देखा है, सो मुंबई आते हैं, हाउ डू यू थिंक दे शुड अप्रोच मुंबई एंड थिंक अबाउट मेकिंग देयर फिल्म्स? इज द असिस्टिंग राइट मैनर, और दे शुड डायरेक्टली अप्रोच मेकिंग देयर फिल्म्स, और व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे शुड टेक इन ऑर्डर टू नॉट डू द रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? सी, पहली बात ये कि आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पीपल आर अ लॉट मोर अवेयर. It's not like before. Social media का जमाना है, digital media का जमाना है. So anybody walking into Bombay, Mumbai, or and going to Varsova, Aramnagar, etc., and roaming around and saying that I'm a talented actor, I'm a talented writer, I think then they are wasting their time. That's not going to happen. सबसे पहले आप सोच लो, पहले आप decide कर लो, what you want to be. Do you want to be an actor? Do you want to be a technician? Do you want to be a writer, whatever. Same thing happened with me. I didn't decide why I came to Mumbai. I was just interested in filming, just like you. तो उस समय चलता था, 10 साल पहले शायद फिर भी, चल जाता था. पहले बहुत कम करते थे, 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम लोग 10 साल पहले आए, ठीक है. बट अभी मैं बोलूंगा कि वो करना, it's suicidal. Dangerous. Okay. So please come prepared, at least knowing what you want to do. Okay. Second, ये एक हो गया, first deciding what you want to do. Second, आपने डिसाइड कर लिया व्हाट यू वांट टू डू. इफ यू आर एन एक्टर, ओके, व्हाट कैन यू डू, ओके, टू मेक योर चांसेस ब्राइट. फर्स्ट ऑब्वियस बात है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ओके, हैव अ शोरील इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल नहीं प्लीज डू इट. मतलब अब आजकल के आईफोन आपके या कोई भी एंड्रॉइड फोन में भी तो बहुत इजी है. इतना बहुत इजी है यार, पहले का जैसा नहीं है. यू कैन, एंड इफ यू आर क्रिएटिव एंड आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा या बंदी होगी जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होगा, सो गिव द फोन टू यू, गिव फोन टू हिम और हर एंड मेक हिम और हर शूट योर एक्सेलेंस स्टिल्स इन केस यू कांट अफोर्ड टू गो टू अ प्रोफेशनल. ओके, सो यू कैन टेक टिप्स फ्रॉम ऑनलाइन एंड मेक अ गुड पोर्टफोलियो योरसेल्फ. ट्राई करो, मतलब इट इज बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग. एंड विद इन योर सर्कल व्हाई कांट यू डू मेक सम शॉर्ट फिल्म्स. पहले के 5 फिल्म, 10 शॉर्ट फिल्म तो बहुत बेकार के रहेंगे. वो बनाते नहीं, वो पहली फिल्म से सोचते हैं उनको ऑस्कर मिलना चाहिए. बनाओ यार, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कुछ नहीं, लेट द शॉर्ट फिल्म बी 5 मिनट्स ऑफ जस्ट यू टॉकिंग टू द वॉल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, व्हाई नॉट. Do not put too much expectations while you're making a short film. Short film बना रहे हो ना, तुमने 100 करोड़ की फिल्म तो नहीं बनाई कि उसको फ्लॉप हो गई तो पैसे खत्म हो जाएंगे. तो फिल्म तुम्हारा है, जगह तुम्हारी है, मतलब लोग तुम्हारे हैं, करो ना. मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, खराब नहीं है, किसी को मत दिखाना, सीधी बात है. सीखने को तो मिलेगा, सीखने को मिलेगा. एंड एंड अगर ठीक ठाक निकली तो एटलीस्ट योर, अच्छी बात है, तुम्हारा काम निकल आएगा. सो यू डू दैट. And so when you're trying to meet people, you have something to show. You can go and पहले जैसे लोग फोल्डर छोड़ देते, पहले सीडी छोड़ देते, अभी तो you can send a link. I keep getting emails from people or Facebook or Twitter में बहुत लोग reach out करते हैं, जैसे कि I would like to send you my work, can you see it? तो करो ना, मतलब rather than just blindly saying I'm a writer, I want to become a writer, give me work, or I want to act, give me work. Why should I give you work, yeah? I mean, आपकी तरह हजारों बैठे हुए हैं, and qualified too. Yeah, so show that hunger in you, with your work. Okay, so decide what you want to do. Come prepared, with whatever as I told you. So अगर actor हो तो ऐसा करो, writer हो तो writing samples लेके आओ, yeah. Write something, write a short story. It need not have to be अगर आपने full features आप already टैलेंटेड हो या आप क्वालिफाइड हो, आप जो आपने क्रैक कर लिया, एक 100 पेज का आपने स्क्रिप्ट रेडी कर लिया, फैंटास्टिक, ग्रेट. लेकिन मे बी एवरीबडी कैन नॉट डू दैट. तो एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट्स आप 4-5 कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हो. तो एंड इफ आई आस्क यू, टेल मी द कॉन्सेप्ट, एंड यू जस्ट से वन लाइन एंड से कि चलो कैसा रहा कॉन्सेप्ट, बस आप
मतलब सॉरी मतलब आप सलीम साहब और जावेद साहब नहीं हो कि एक वन लाइनर के बलबूते पे मैं आपकी फिल्म बिक जाएगी. इनफैक्ट दे आर स्टिल राइटिंग स्क्रीन प्लेज यार, मतलब इस उम्र में. ओके एंड यू नो कुडोस टू देम. आई मीन प्लीज प्लीज वी हैव लॉट्स टू लर्न फ्रॉम वेटरन्स लाइक देम. ओके व्हेयर आई फाइंड इट वेरी फनी व्हेन यू नो यंगस्टर्स इज जस्ट कम एंड से यू नो आई एम अ राइटर एंड you ask them like you know to, have you written anything no sir it's in my head so it's in my what tumhare head mein hai to usko main kya achar dalu seriously matlab it's so just write, because you can pick up pen and scribble something on paper doesn't make you a writer. You have to continuously write something and, get rejected by people, that's how you become writer persistently. Most funny is the people like saying you know ki main Facebook mein likhta hu, main Twitter karta hu, main tweet karta hu, post like, likhta what's it's very different. Okay so so do that. Okay so you decide what you want to do, arm yourself for that, prepare yourself, you know come ready with materials that you have to share. Also itna sab main bolne ke baad main phir bhi bolungi don't land straight in Bombay. I mean try and see if you can reach out, you know, through your sources, make some contact. Aajkal everything is available online, so you know sare companies ke websites you know to available hai, you know unke social media handles available hai. Lot of them keep putting up, you know, requirements, you know, on social media, LinkedIn पे आप जाओ, you know, उधर भी आपको काफी सारे requirements का technical हो, creative हो, वगैरह वगैरह पता चलता है. Keep looking out, and these days, you know, काफी कुछ तो Twitter पे, Instagram पे वगैरह, you know, हो जाता है यार, मतलब so do follow all these things, see if you have something at least tangible. इधर जब आते हो, अगर तुमने ठान लिया कि तो एक महीने के लिए आ रहे हो तो वो एक महीने में तुम किससे किससे मिलने जा रहे हो, मतलब उसका आता पता हो, यू नो, या कि तुम ब्लाइंडली आ रहे हो और बोलोगे कि चलो आज ना मैं यू नो आज और कल मैं यारी रोड में घूमूंगा, यू नो कि यू नो परसों तरसों मैं यू नो मैं लोकंडवाला में घूमूंगा. अरे दैट विल नॉट हेल्प यू. तुम घूमो, मतलब बॉम्बे दर्शन करते रहोगे, घूमते रहोगे, फिर घूमते रहोगे, बट देन कम प्रिपेयर्ड सेइंग दैट यू नो कि मैं बॉम्बे घूम रहा हूँ. साथ साथ अगर कोई मिल गया तो ठीक है, इट विल एंड अप लाइक दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर पर्पस. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जस्ट ब्लाइंडली लैंडिंग हियर एंड सेइंग आई एम टैलेंटेड, मुझे मौका मिलना चाहिए, यू नो इट इज नॉट रियली गोइंग टू हेल्प, बिकॉज़ देयर आर वे टू मेनी पीपल यू नो यहाँ पे जो बहुत टैलेंटेड है एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली जो समय ने साथ नहीं दिया शायद उनको या उनका किस्मत बोलो या व्हाटएवर एंड यू नो व्हाई डू यू वांट टू बिकम यू नो वन मोर एडिशन टू यू नो दैट नंबर. हां ट्रू, अदर यू बी इन योर रेस्पेक्टिव प्लेस एंड यू नो लाइक यू नो डू व्हाटएवर यू आर डूइंग. हां अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है आप बता सकते हैं कि फिल्म बनाने के बाद प्रोड्यूसर को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एक फिल्म बना ली, मान लीजिए लड़के ने, मान लीजिए चलो आउट ऑफ मुंबई किसी प्रोड्यूसर ने एक बड़ी फिल्म बना ली 1-2 करोड़ की. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर दैट, आफ्टर मेकिंग द फिल्म, आफ्टर हैविंग दैट प्रोडक्ट इन योर हैंड? पहले तो स्कोप बहुत कम था, फिल्म बना लिया चाहे वो 1 करोड़ की फिल्म हो या 100 करोड़ की फिल्म हो, यू नो उसको थिएटरिकल रिलीज करना होता था एंड you know, lage haathon, then, you know, if it's a big film, then there is a good prospect of doing a lot of, you know, pre-sales, you know, film ke shoot ke dauran hi, ya phir, you know, shoot khatam hoke, theater release hone ke pehle bhi aap satellite deal, satellite TV ka deal, music ka deal, overseas ka deal, digital rights ka deal, wagera. Are there any companies specific whom you can approach? Who will do everything for you, or you have to do or contact everyone individually? I'll come to that. Just one more thing on that. This was in the pre-pandemic days, also pre-OTT days, where ये conventional तरीका you know follow करना पड़ता था. अभी things थोड़ा things have changed a little bit. एक तो पिछले 4-5 साल में काफी सारे OTT platforms आ गए हैं, मतलब उभर रहे हैं, and then now the pandemic you know आ गया है, so people are not going to the cinemas are closed. So a lot of big films are also, you know, directly shifting to OTT. Okay. So maybe in this situation, it is throwing a different angle also at us, which is, you know, we may not need to go the conventional route now, if you play the economics, the numbers, right? So, you know, if it's a, but again, ye har kisi ke saath possible nahi hai. Agar, see, if you have a no names attached, for example, आज ट्रेलर निकली है शेरनी की, यू नो अमित मसूरकर है, उनकी यू नो
उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड यू नो प्रीटी डिसेंट देन यू हैव अ यू नो नेम लाइक विद्या बालन अटैच्ड टू द लीडिंग लेडी सो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है अमेज़न प्राइम ने खरीदा हुआ है उनको 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 समझ में आ सकता है फिल्म बिना देखे ही उनको उनके दिमाग में आएगा एक पिक्चर की अमित मसूलकर है विद्या बालन है विद्या बालन है प्रोड्यूसर फलाना फलाना है तो एक मिनिमम ऐसा एक क्वालिटी का तो फिल्म होगा ही एंड देन तब उतना जब उनके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है देन दे विल कम इनटू डिस्कशंस ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा एंड फीजिबल होगा उन्होंने यू नो ले लिया है बट व्हाट इफ यू नो योर फिल्म डज नॉट हैव एनी सच नेम्स अटैच्ड इट कैन बी अ फैंटास्टिक फिल्म मैं उसको डिबेट नहीं कर रहा लेकिन फिल्म बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें कोई नोन स्टार कास्ट नहीं है यू नो डायरेक्टर नया है प्रोड्यूसर भी you know it's not a known everyone game. is new you know then there is a struggle now to answer your question see there are companies you know which do you know PNA which is print and advertisement basically you know do the distribution and marketing of films but again ye you know alag you know tarah se log karte hain kuch companies aisi hoti hain you know जो फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं यू नो दे पुट इन द यू नो फॉर एग्जांपल अगर फिल्म 3 करोड़ की यू नो है मेकिंग एंड अगर ठान लिया कि उसका अगर अभी अगर 1 करोड़ और चाहिए रिलीज के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए सो दैट कंपनी और दैट एंटिटी कैन कम ऑन बोर्ड एंड से कि ओके आई विल पुट दैट वंस हियर आई विल रिलीज अ फिल्म गिव मी ऑल्सो अ प्रोड्यूसर और अ को प्रोड्यूसर काइंड ऑफ अ टैग लेकिन सबसे पहले मैं अपना पैसा निकालूंगा क्यों क्योंकि रिलीज मैं कर रहा हूँ रिस्क सारा रिस्क मेरा है क्योंकि ये फिल्म वैसे भी रिलीज नहीं कर पाते तो वो एक मॉडल है दूसरा एक मॉडल है कि यू नो कि चलो वो पीएनए का पैसा यू नो नहीं डालेंगे वो प्रोड्यूसर को ही यू नो अरेंज कर लेना है लेकिन दैट कंपनी और दैट इंडिविजुअल सेज दैट आई विल गिव यू द काइंड ऑफ रिलीज दैट यू वांट और दैट दिस फिल्म डिजर्व्स तो चाहे वो उनको 100 स्क्रीन यू नो चाहिए 400 स्क्रीन चाहिए 500 स्क्रीन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली यू नो इतना बजट का मतलब 50 लाख का 1 करोड़ का 25 लाख का जो भी पैसे हैं अवेलेबल फॉर मार्केटिंग उतने का मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए एंड मार्केटिंग में अलग अलग चीजें होते हैं ना जैसे प्रिंट मीडिया होता है टेलीविजन होता है रेडियो होता है ऑनलाइन यू नो होता है आउटडोर मीडिया होता है आउटडोर मीडिया बोले तो यू हैव योर होर्डिंग्स बस शेल्टर्स रेलवे ब्रांडिंग दिस दैट तो मैं ये सब यू नो मैं करके दूंगा एंड इन दैट ऑल्सो माई रिकवरी विल बी इन टू वेस्ट It can be in two ways. Either I take a flat fee, कि मैं, you know, कि जो भी है, X, Y, Z, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जो भी है, I will take a flat fee and nothing else. फिल्म जो भी कमाएगी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक फ्लैट फी लूंगा करके प्रोड्यूसर को बोलता है प्रोड्यूसर अग्रीज और doesn't agree, it's a different story. और the other thing is that I don't take a flat fee. But I rather work on a percentage. That's also possible. So, इसमें फिर आया कि producer need not immediately release any money additionally. मतलब कि इनको 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 8 लाख जो भी है, वो देने की ज़रूरत नहीं है. जो भी फिल्म का, you know, theatrical revenue होगा, जो 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 producer को या distributor से जो sorry, जो theatre से जो you know आएगा revenue, उसमें से they take a percentage. Normally वो 10-20% के बीच में you know उनका share होता है, which is called a distributor share. वो निकाल के फिर balance you know producer को देते हैं. So that is another model by which you know the distributors you know can work. This is all in case of you know a theatrical you know model. And बात अगर आप satellite और you know digital वगैरह की आप कर रहे हो, then again उसके लिए आप as a producer या तो directly आप you know TV channels के पास या OTT platforms के पास आप जा सकती हो या you can take the help of a good aggregator respected I say this respected within coach because it's very important कि market में बहुत लोग घूमेंगे जो बोल रहे थे कि मैं
ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, अरे इनके साथ में उनके साथ यू नो आधे प्रोड्यूसर तो उन्हीं की वजह से भाग जाते हैं जो बाहर से आते हैं बेचारे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जो 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 एक्चुअली ऑथराइज्ड हैं इन सैटेलाइट चैनल टीवी वालों के साथ। हाउ टू फाइंड देम, हाउ टू फाइंड ऑल दीस पीपल इफ समवन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड? मतलब इज देयर, अच्छा इट इज ऑल अवेलेबल, सी यू जस्ट नीड टू आस्क यू नो द राइट पीपल, राइट पीपल। एंड सी दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट, लकीली क्या है कि actually it's a little bit of hustle, Mumbai film industry, little bit of hustle. You cannot, you're not going to find any dictionary or a directory or something like that. Will find, haan, wo nahi milne wala, wo nahi milega. Lekin at the same time aisa bhi nahi hai ki you know logo ne sab ekdam band ke rakha hua hai and kisi ko you know batayenge nahi, entry nahi hai, haan aisa nahi hai. To so agar sahi aadmi ke paas jaoge to you know he will help you out, haan. You will find you know proper guidance, okay. Isse maine मैं सिर्फ अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम श्योर मेरे तरफ और भी बहुत लोग हैं जो बहुत हेल्पफुल है। मैंने आज ही फॉर एग्जांपल यू नो एक यू नो इंडिपेंडेंट यू नो प्रोड्यूसर को यू नो दो ऐसे यू नो लीड्स मैंने दिए जो एक्चुअली नेटफ्लिक्स और अमेज़न और यू नो हॉटस्टार वगैरह के साथ दे आर ऑथराइज्ड यू नो एग्रीगेटर्स। सो दिस इज फॉर यू नो देयर फिल्म यू नो व्हिच इज ऑलरेडी रेडी एंड दे वांट टू यू नो हैव इट यू नो सोल्ड टू यू नो दीस प्लेटफॉर्म्स। सो इट्स ऑल अबाउट गोइंग टू द राइट काइंड ऑफ पीपल। If you go to the wrong kind of people, obviously then you are wrong things are going to happen. So goal फिर घूमते रहोगे, फिर वो पता नहीं उससे जो आप नुकसान ही नुकसान होना है। And अगर नुकसान होता भी है थोड़ा बहुत, तो then it's completely fine because that's how you learn in Mumbai film industry. If you are an outsider, then you have to be ready to be go through a little bit of loss. You're going to meet all the kind of people there. You're going to meet right people as well as wrong people, and that's the experience, and that's also the beauty of Mumbai. So what do you think is going to happen to films after theater has been closed, lockdown has been there, and now OTT is big? So do you think theaters are coming back or OTT is the future? See, I think personally, if you ask me, I would want cinemas to come back in the theaters. But it's going to be difficult. Having said this, I think it will be a hybrid model. Cinemas will not become extinct. They will remain. May not, maybe single screens might find it slightly difficult to survive. They will not, again, not all of them will die. Some of them who are who have been able to stay a little ahead of the time, who have been able to upgrade themselves and bring a lot of high, maintain high standards, be it in terms of projection, be it in terms of sound and other things, seating, waiting, काफी single screens ने not only in Bombay, in other cities also. Even in small tier 2 cities and tier 3 cities, they have now started opening. So they're doing very well. So they might also, survey. What is very important is to note is that अगले कुछ समय के लिए, maybe 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए, लोगों के दिमाग में थोड़ा एक 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 fear, एक 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 डर रहेगा, in terms of going to the cinemas. And वो डर भी धीरे धीरे मिट जाएगा जब सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, दो डोज निकल जाएगा, तो लग जाएगा ना, तो उसके बाद से वो डर थोड़ा थोड़ा और कम हो जाएगा। इस फेज में जब तक वो खत्म ना हो, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूँ, अगर बड़ी फिल्म आएगी, बिग टिकट फिल्म आएगी, जो जिसको देखने का मजा बड़े पर्दे पे, तो उसके लिए लोग फिर भी रिस्क ले लेंगे, चलो यार अक्षय कुमार है यार, सूर्यवंशी आने वाली है, महेश बाबू है यार, चाहे वो तेलुगु हो, हिंदी हो, वो देख लेंगे। एक बार को बॉलीवुड में थिएटर बंद हो सकता है, साउथ में बहुत मुश्किल है। साउथ में तो नहीं, इनफैक्ट मैं वही बोलने वाला था, जनवरी से अप्रैल के बीच में काफी फिल्में, वकील साहब के लिए कितनी भीड़ लगी थी, वकील साहब, मास्टर, काफी अच्छे किए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उतना क्रेज है नहीं, अनफॉर्चुनेटली, सो यहाँ पे दिक्कत थोड़ा ज्यादा है, बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बड़ी फिल्मों के लिए लोग फिर भी थोड़ा सा एक वो रिस्क लेके चले जाएंगे। फॉर अ लॉट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फिल्म्स पब्लिक विल बी वेरी डिवाइडेड, दे विल से कि क्योंकि दिक्कत ये है ना कि वो सोचेगा कि एक तो मैं रिस्क लूं और दोस्तों के साथ या सह परिवार संग में निकल जाऊं, ऊपर से 200-300 रुपए पर टिकट मैं खर्च भी करूँ, ये सब करके मैं आऊँ, और पता चलता है कि 2 हफ्ते में वैसे भी या 3 हफ्ते में ये वैसे भी हम प्राइम में या नेटफ्लिक्स में या हॉटस्टार में या सोनी लाइव में आ ही रहा है, देन रादर मैं 15 दिन रुक जाऊँ ना, मतलब कि मैं अपने अपने घर के सेफ्टी में आराम से मैं रात को या दिन कभी भी मैं अपने मनचाहे टाइम में देख लेंगे। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो
I see that, you know, there will be a tough phase for the next 6 to 12 months where not every film will find, you know, plenty of takers at the cinemas in case of Hindi films especially. But with the situation improving, hopefully, you know, people will, you know, slowly start, you know, visiting the cinemas a lot more. But OTT will definitely be a strong force. It is already proven to be a very, very good alternative, you know, source, you know, for a lot of filmmakers. So that's not going anywhere. So does your company hire young intern production guys? We don't have a fixed policy, but we are always open to it. Whenever, especially jab hamara koi live project, especially at that time, we are pretty much open. Then what are the qualities you're looking in that guy? Like, suppose someone from Delhi or someone outside from Mumbai want to approach you and ask you, can I work with you on some project as a production intern or as a production guy? What are the qualities or what are the things that he should start preparing in this lockdown period so that he becomes better by the time he approaches you? What are the things that he needs to learn? Are there some softwares or something that he can learn from home? So very, very few things, basically. Very well, mostly soft skills. And, you know, when I say soft skills, I would say that, you know, things which are very tangible, and, you know, and things which either the individual already has or can mold himself to have. So does he or she, you know, ideally have an aptitude, you know, to work for long hours, you know, on sets, on locations, and be prepared to run around, because production, you know, is actually a thankless job. Thankless job, true. Chahe wo producer ho, या प्रोडक्शन असिस्टेंट हो, मतलब भागदौड़ करना बहुत, यू नो, बहुत ज्यादा होता है. एंड यू नो कई कई बार यू टेंड टू थिंक कि यू नो मैं बेशरम होके बोलता हूँ, कई बार मैंने ऐसा भी सोचा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, खुजली थी मैं, मतलब बन गया प्रोड्यूसर लेकिन मतलब लेकिन कुछ और कर लेता यार, डायरेक्टर हो जाता, मतलब you do all the hard work. You it's not that they are not doing the hard work, you also doing all the hard work, but when it's time to get the accolades, it mostly goes to the director and the actors. One is accolades, second you're not the one that people are aware of. Also, more importantly, we are not saints. We want, because that is the motivation. Na? People's appreciation is also kind of motivation. Correct. Also, a lot of firefighting, you know, firefighting. True. The producer's job involves a lot of firefighting. Okay. Just to keep director's life cool and safe, you have to bear all the grunts of all the people. Like, the setting is spot boy to everyone. So, I might take it out on, you know, some, you know, maybe someone, my line else. Producer or production manager, he or she in turn will take it out on someone executive. Wo intern will take it out. So bichara, see, eventually the intern will be really, you know, will be in big trouble. And you will be clueless ki mujhe daant padi kyun. Okay. So one, you know, he or she should be, you know, be adaptable, be good, you know, to run around and be able to, you know, handle, you know, situations like these. Secondly, you know, obviously, you know, should be somebody, at least for us, should be somebody who really loves cinema. You know, not for the sake of saying ki mere ko filmon mein aana hai. Theek hai, aana hai, lekin are you first of all watching films? Okay. You know, but isse better film? Job bhi hai market mein, jisme tumhe acha payment milega. तुम फिल्में देखते हो क्या? तुम सीरीज देखते हो क्या? मतलब do you really know, you know, like, you want to be on what is happening industry में क्या होता है, like what kind of films are getting made, what is happening, you know, so एक aptitude, you know, and you know, and so basically अगर मैं दो words में बोलूँगा ना, तो it's all about, you know, attitude and aptitude. ये दो अगर आपका सही हो, other things like, you know, your basic that you will learn, वो सब कोई ये नहीं है. Communication वगैरह वो सब चाहिए, but that's part of it. I think you track that will develop over time. But you track the two A's, attitude and aptitude. I think everything else is secondary and can be picked up. How do you think that person in the lockdown should study cinema? Just by watching movies or reading movies? Is there any, because you're a film buff, you have been doing it for like 20 years. What is the right way of studying cinema? What do you think? It's your personal opinion. I think this is, for a film buff, this is a great time. Because, you know, irrespective of whether you're a student or you're a working professional, या आप इंटर इस इन दोनों के बीच में आप इंटरमीडिएट फेज में हो, लेकिन आप
चाहो ना चाहो आपके पास टाइम है, बिकॉज यू नो इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन वो भी 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे उसके बाद आप क्या करोगे, यू नो, एंड यू कैन टेक ब्रेक्स व्हेनेवर यू वांट टू, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, राइट? सो यू विल हैव टू सेट योरसेल्फ, यू नो, इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू शुड बी सेटिंग योरसेल्फ, यू नो, अ टाइम फ्रेम, यू नो, कि अच्छा अच्छा इन द लास्ट सेवरल इयर्स मैंने बहुत कुछ मिस आउट किए थे, सो कैन आई फर्स्ट ऑफ ऑल कैच अप फॉर सम पीपल हु फील दैट यू नो लास्ट 2-3 इयर्स यू नो दे हार्डली गॉट टाइम टू वॉच मूवीज और सीरीज एक्सेट्रा, सो यू नो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कैच अप ऑन सम ऑफ इट, व्हाट डू यू मेक अ व्हाट इफ यू आर ऑफ दैट काइंड, व्हाट डू यू मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दोस रियली फैंटास्टिक यू नो फिल्म्स इन द लास्ट 3 इयर्स दैट यू मिस्ड आउट ऑन और सीरीज दैट यू मिस्ड आउट ऑन. दिस कुड इंक्लूड यू नो बोथ सीरीज अगर है तो इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल, फिल्म अगर है तो देन आई मीन डिपेंड्स, इफ यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड देन गिव स्पेस फॉर बॉलीवुड, रेस्ट ऑफ इंडिया एंड यू नो इंटरनेशनल. इफ यू आर नॉट समवन दैट यू नो यू नॉट एबल टू स्ट्रेच योरसेल्फ, देन एटलीस्ट यू नो हिंदी एंड हॉलीवुड, यू नो वॉट एवर यू कैन, एंड अ लिटिल बिट ऑफ एटलीस्ट द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, तीन चार ही आप ले लो, लेकिन इफ नॉट 30-40 तो वहां से शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम अ थिएटर यू नो पर्सन, आई ऑलवेज यू नो एंजॉयड वॉचिंग फिल्म इन द बिग स्क्रीन, सो आई एम नॉट सीन दैट आई विल नेवर वॉच फिल्म और सीरीज एट होम, बट इट वॉज नेवर समथिंग आई एंजॉयड. ओके, लाइक बहुत वीकेंड्स होता है तो फ्राइडे सैटरडे संडे में घर से ज्यादा मैं सिनेमा में रहता हूँ, सिनेमा हॉल में रहता हूँ. ये मेरे को जो भी जानते हैं, दोस्तों से लेके रिश्तेदारों तक, यू नो नेबर्स, सब लोग जानते हैं, यू नो देन इट्स अ जोक अमंग पीपल हु नो मी. सो आई मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट इन ओटीटी इन द रीसेंट पास्ट, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस. लास्ट ईयर मार्च से when we were stuck at home and with cinemas being closed, etc., what do I do? I mean, so I told, and that was also a time when we as a company, we started, you know, looking at, you know, producing content for OTT as well. Okay, both original series and films. Okay, now this gave me an opportunity in two ways. One is, chalo, maine bahut kuch dekhe nahi the OTT mein. Secondly, main, as a producer, main keh raha hu ki mere ko original series, original films banani hai. So, लेकिन मार्केट में चल क्या रहा है, सो आई एम अवेयर, आई यूज टू हियर ऑफ मिर्जापुर एंड यू नो लाइक यू नो मेड इन हेवन एंड स्टफ दैट, लेकिन आई हैड मिस्ड आउट ऑन मोस्ट ऑफ इट. हां, आई हैड सीन सीक्रेट गेम्स एंड एक आध यू नो जो बहुत ज्यादा हिट हो गया, बट मोस्ट ऑफ देम आई हैड नॉट सीन. ओके, so this is coming at such a fierce speed now, right now every day a new something new is launching. Yeah, so it is very difficult to you know like keep a track of everything, keep a track. So but luckily is last March, April, May, June. ये तीन चार महीने में मैंने क्या किया कि मैंने दे दना दन, you know, I was like, you know, I spent time, I was watching movies as usual, उसमें तो कोई ये नहीं था, but बीच बीच में I would ensure that, you know, whatever were the shows that had got a lot of notice, you know, I made sure to kind of, you know, watch them and, you know, brought myself up to speed. I'm still lagging behind big time internationally. क्योंकि वहां पे तो यू नो द गैप इज ह्यूज, सो दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन एटलीस्ट इंडिया में आई नो फॉर श्योर दैट यू नो कि कोई ऐसा, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन एवरीथिंग, लेकिन जो भी रिलेवेंट टाइम शोज, हां रिलेवेंट शोज, जो भी रिलेवेंट है आई नो, यू नो कि मैंने देख लिया है. तो रिसेंटली कौन से अच्छे लगे आपको शोज? रिसेंटली फिल्म्स और शोज जो भी. ओके, सो दैट्स इट. आई एम एक्चुअली जस्ट अबाउट टू फिनिश अ तमिल series, it's on Hotstar, it's also dubbed in Hindi as well, called November Story. But you understand Tamil? Yeah, Tamil, okay. Telugu, Malayalam, wholesale Indian, yeah. You are. Yeah. So yeah, that way I'm lucky. So November Story I thought is pretty decent. I'm just one episode away from completing it. It's called Tamanna in the League. Tamanna, it released yesterday or the day before yesterday, right? It's last week, so that is pretty decent. Among films, quite a bit actually. I've seen over the last few days some really interesting films. So I liked Divakar, Sandeep or Pinky Farhar. I missed it in cinemas. It was liked great. It, but the reviews are so bad about it.
please check it out. It's not a great film. It's not Divakar's best. So I had very, 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 very low expectations. So maybe that helped. Okay. There were quite a few things. But it's Divakar Banerjee. Even if he shits, he's going to shit good. So it was interesting. I've seen a lot of good Malayalam cinema in the last Malayalam. 3 weeks. I've become a huge fan of Malayalam films recently because of Fahad Fazil mostly. I've seen all Mammootty films, Tovin Thomas films, Naveen Poli films. I don't know how many films I've seen. So, yeah, some great, some really good work has come out. Even Dhanush's latest film, Karnan, Tamil film, is there on Prime now. So that is very good. There's a film called Nayat, which is a Malayalam film. It's there on Netflix. I strongly recommend that. Some really, good films. That I've seen, of late. But since Malayalam cinema is doing so good, do you ever think you will go back to your roots to Malayalam cinema because it's flourishing right now and, produce some films there or direct some films there? So that's always been on my mind. That's always been on my mind. And luckily, as I said, now we've entered South. So Tamil, Telugu, and hopefully Malayalam as well. We are in talks for 2-3 Malayalam films. So do you have plans of directing film in the future? Yes. You have? Okay. So I wish all the best to you for your future plans and for directing the film. And hopefully I'll be there to help you out. And thank you for coming to my channel and thank you for giving me this time and so much time I've taken off yours. मैंने एक घंटे का सोचा था मैं पर बातें सुनते सुनते आपके ऐसा हो गया डेढ़ घंटा निकल गया ना वो लुकिंग एट टाइम कहीं बाद में मेरे को डांटे ना यार मेरा डेढ़ घंटा ले लिया तूने बट इट वाज रियली रियली नाइस दैट यू केम एंड गिव मी दिस टाइम क्योंकि मुझे पता है आप काफी बिजी रहते हो और कई बार आगे पीछे होता रहता है बट थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल थैंक यू सो मच सतीश इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई थिंक एक घंटे का डेढ़ घंटा हुआ बट आई थिंक इट वाज गुड क्योंकि इतने टाइम से हमारा ऊपर नीचे चल रहा था सो आई थिंक इन अ वे इट वाज गुड दैट यू नो वी वर एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम इतना तो मैंने फोन पे बात नहीं करी है जितना इसमें कर लिए चलिए थैंक यू फॉर योर टाइम बाय बाय एंड please continue the good work that you're doing, man. All the very best. Thank you. Thanks for your nice words.